ये देखिए बीएलए जो लगा रखे है ककरोला गांव में, ये मोदी जी के कैलेंडर बांट के घूम रहे हैं। कुछ पुलिस वालों की ड्यूटी भी होती है, वो भी एक दिन पहले आपको सबसे मिलना पड़ेगा, वे भी 100-200 रुपए उन्हें भी जेब में डाले पड़ेंगे चाय पानी के लिए। वोट का करना के जरूरत की है, जब तक मैं यो करना आ रही थी वोट वैल्यू ही नहीं बची। हमारा काम ये है कि वहाँ पे भीड़ को हमें रोकना है, पोलिंग हल्की करानी है। पोलिंग हल्की ऐसे होती है जब वहाँ भीड़ लगे झगड़ा होगा तो औरतें वापस आ जाती है, जैसे भीड़ लग जाए एक दो को चैलेंज करे धुन मचाए। ये सरकारी स्कूल के टीचर हैं। साम दाम दंड भेद कुछ भी करके कुर्सी कब्जा लो, यही भाजपाइयों की रीत है और इस चुनाव में स्पष्ट हो चुकी है। हमने चुनाव होने नहीं वाले थे जब तक नामांकन चल रहे थे, उसी समय पर देखा सबसे पहले मध्य प्रदेश से तस्वीरें आई किस तरीके से भाजपा के समकक्ष जो इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार थी मीरा यादव जी, उनके नामांकन को खुजराई से रद्द कर दिया गया। इंदौर की तस्वीरें देखी, सूरत से निर्विरोध भाजपा के प्रत्याशी को जिता दिया गया। इंडिया गठबंधन कांग्रेस का प्रत्याशी आता है इंदौर में और अपना नामांकन वापस लेकर भाजपाइयों के साथ निकल जाता है और तस्वीर लेता है, उनके साथ खाना खाता है और खिजाता है। यही तो वे थे साम दाम दंड भेद, ये तो चुनाव से पहले थे। और चुनाव के बाद हमने देखा किस तरीके से भाजपाई और भाजपाइयों के परिवार के लोग बूथ के ऊपर घुसते हैं, फर्जी वोटिंग कराते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो बनाकर डालते हैं, ईवीएम हाथ में लेकर बाजू में ईवीएम लेकर डांस करते हैं और कहते हैं कि मशीन और ईवीएम तो हमारे बाप की है, गाली देकर कहते हैं कि आओ निकल कर वोट दो और भाजपा को जिताओ। कहीं चुनाव आयोग के द्वारा नियुक्त बीएलओ ही अर्जी लगा रहा होता है लोगों से कि मोदी जी को जिताओ, कहीं वहीं पर बूथ लेवल पर पुलिस भी मौजूद है और एक सत्ताधारी पार्टी का एजेंट पोस्टर दिखा रहा है कि देखो यहाँ पर वोट डालना है, पता है ना, जैसे वोट खरीद के लाए और चुनाव के ऐन पहले उनको बता रहा हो कि ये बटन दबाना है। कई तस्वीरें आई, कई आरोप भी लगाए गए, लेकिन न तो चुनाव आयोग मानने के लिए तैयार है और न ही सुप्रीम कोर्ट। अब और बड़े घोटाले और गड़बड़ियाँ सामने आने लगी हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा था ना कि वोटिंग को जानबूझकर डिले करा दिया गया है, अब वेरीफाइड तस्वीरें और वेरीफाइड वीडियो आ गई है जिससे आपको पता चलेगा हाँ ये भाजपाइयों की साजिश थी जिसमें पुलिस प्रशासन और चुनाव अधिकारियों को रिश्वत देकर यह प्लान किया गया था कि हा हुल्लड़ मचाना है, वोटिंग को डिले कराना है, उससे महिलाएं भाग जाएंगी, अफरा तफरी मचेगी और वोटिंग डिले होगी। जहाँ जहाँ भाजपा के समर्थन में वोट नहीं पड़ने वाले थे, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जीत सकता था, वहाँ पर ये घटनाक्रम सामने आया। सबसे बड़ी बड़ी लाइनें कई किलोमीटर की हमने महाराष्ट्र में देखी, यहीं तस्वीरें उत्तर प्रदेश से सामने आई, जहाँ जहाँ इनकी हालत पतली थी वहीं ये सामदान दंड भेद का एक तरीका वोटिंग को डिले करा करके परसेंटेज कम कराना, मुस्लिम इलाकों में खड़े रखना पर्चियाँ, ये कहना कि पर्चियाँ उसी को मिलेगी जिसकी है, मुस्लिम महिलाओं को टेबल के ऊपर बुलाकर पर्चियाँ देना, मुस्लिम पुरुषों के द्वारा ये चीज़ें बताई गई थी कि देखिए हमारी महिलाएं तो शर्माती हैं, वहाँ पर गांव के और भी लोग खड़े होंगे, ये तमाम चीज़ें हमने देखी थी। लेकिन क्या ही फ़र्क पड़ता है, चाहे बीजेपी के उम्मीदवार मुस्लिम महिलाओं का बुरका उठाकर चेक कर ले, ये तरीके ही तो थे जिससे वोटिंग इंटरप्ट करना था। ABC न्यूज़ एजेंसी है, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख न्यूज़ एजेंसी है, तो जब चुनाव होते हैं तो कई देशों के आते हैं रिपोर्टर, पहले तो कुछ रिपोर्टर इनको पता चल गया होगा कि ये इनके सच्चाई को उजागर कर रहे होते हैं, उनको तो बाहर निकाल दिया था, खबरें आई थी चुनाव से पहले ही। अब एक वीडियो आई थी 7 मई के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के संभल कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उस समय पर उस वीडियो को नज़रअंदाज कर दिया गया, स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई कि वीडियो अब की है या पहले की है या क्या चीज़ इसमें कही गई है। अब उस वीडियो को इस न्यूज़ एजेंसी ने वेरीफाई किया है और उसमें स्पष्ट तौर पर बताया गया है, कैप्शन भी लिखा है कि किस तरीके से एक बीजेपी वर्कर है जिसका नाम है भुवनेश कुमार वर्षने, इन्होंने पुलिस को और पोलिंग ऑफिशियल को रिश्वत देने का प्लान बनाया, प्लान समझाया लोगों को कि कैसे कैसे इसको अंजाम देना है, उसके जरिए हा हुल्लड़ मचाना है, अफरा तफरी मचानी है, दिखावटी अफरा तफरी जिससे महिलाएं भाग जाएंगी, बाकी महिलाएं भी बूथ पर नहीं आएंगी वोट डालने के लिए और जो मौजूद हैं उनमें हा हुल्लड़ मचेगा और वोटिंग परसेंटेज डिले होगी, वोट डिले होगी तो गर्मी बढ़े होगी तो उसके बाद जो लाइन में खड़े हैं वो भी भाग जाएंगे। वीडियो देख लीजिए,
एबीसी ने इनको वेरीफाई किया है, कई विपक्षी नेताओं ने इनको रीट्वीट करके ये आज जानकारी आपके सामने लाने की कोशिश की है। इसमें व्यक्ति जो बोल रहे हैं वो बीजेपी वर्कर भुवनेश कुमार बताया जा रहा है। यूपी के संभल की तस्वीर है, 7 मई को जो वोट पड़ी थी उससे पहले ये प्लानिंग थी किस तरीके से पुलिस को भी पैसे खिलाने हैं, पोलिंग अफसर को भी, और उनके सहारे उनको शकल दिखाकर पोलिंग वाले दिन गड़बड़ियों को अंजाम देना है वोटिंग डिले कराने के लिए। एक दिन पहले मिलना है। अच्छा अच्छा, एक दिन पहले मिलना है पीठासीन अधिकारी, जो पीठासीन अधिकारी और जो भी यहाँ पे बैठते हैं एक दिन पहले मिलके क्या होगा? हाँ, उनसे आप एक दिन पहले उन्हें खाने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था कराएं, मच्छर ना लगे, जो एजेंट बना उनके शक्ल दिखा दें। अच्छा, ये हमारे आदमी है? ये हमारे आदमी है, ये एजेंट बनकर कल आएंगे आपके पास, ठीक, और आपकी खाने की व्यवस्था जी है, ठहरने की व्यवस्था जी है। एक बात, अब कॉन्टेक्ट हो गया उनका आपस में, और जो भी देना लेना हो उनसे कर लें, ऐसा यहाँ फूके है ना। आप सुबह पहुंच गए, आप सुबह पहुंच गए, एजेंट पहुंच गए वो, अब एजेंट का काम क्या है? उसकी जेब में पैसे होने चाहिए चैलेंज करने के लिए। उसका काम जैसे भीड़ लग जाए एक दो को चैलेंज करे, धुन मचाए, सही है। चैलेंज से ये फायदा होगा कि भीड़ में टाइम लगेगा, हमारा काम ये है कि वहाँ पे भीड़ को हमें रोकना है, पोलिंग हल्की करानी है। पोलिंग हल्की ऐसे होती है, जब वहाँ भीड़ लगे झगड़ा होगा तो औरतें वापस आ जाती है, इतना झगड़ा लगेगा ना कि गोली मारो तमंचे मारो झगड़ा करो हाथ भेज खेचो ना, केवल नौटंकी, उस नौटंकी से होगा वहाँ पर नेक धड़ल मचेगी तो औरतें आनी जाएंगी बंद। यार यहाँ लफड़ा है, एक घंटा में फट जाएगा भाई, लफड़ा है वो, अब ना जा रहे भाई, खास आपको मना कर लिया, जरूरत है सही है, एक वो परसेंटेज कम हो जाती है। मैं कुछ पुलिस वालों की ड्यूटी भी होती है, वो भी एक दिन पहले आपको सबको मिलना पड़ेगा, वो भी 100-200 रुपए उन्हें भी जेब में डालने पड़ेंगे चाय पानी के लिए, जैसे इनकी औकात 100-200 हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। अधिकारी 500 पुलिस वाले 100 रुपए हम घर पचास भी मान जाओ, सब चाय वगैरह हम कौ चीज बना दे रहे हैं, ये चीज एक दिन पहले जो ऑन ड्यूटी वहां सब मिल जाएंगे आपको बूथ पे। ये चीज आपके 100% विश्वसनीय आदमी जो होंगे सैनी जी के, चाहे वो परिवार के हो चाहे रिश्तेदार हो, वे ही बात को संभालेंगे। ये है वो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसका चुनाव आयोग जिक्र कर रहा था, आचार संहिता जिस दिन घोषित हुई, चुनाव का पैटर्न जिस दिन जारी किया उस दिन, उसके बाद बहुत सारी घटनाएं हुई, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया, कहा गया कि देखिए वीवीपैट की पर्चियों की गिनती होनी चाहिए, नहीं मिला रिड्रेसल वहाँ से, उसके बाद फॉर्म 17C, और ये पूछा गया कि देखिए वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ गया, इतना डिले क्यों हो रहा है, तो बता दिया कोई कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने भी उसके ऊपर कोई राहत इस देश की जनता के अंदर जो शंका है उसको नहीं दी। बार बार कहा गया कि नफरत फैलाई जा रही है, हिंदू राष्ट्र और धर्म के नाम पर, जात के नाम पर नफरत और जहर फैलाकर वोट मांगी जा रही है, चुनाव आयोग संज्ञान लो, कोई नहीं जगह। अब क्या हो रहा है, जितने चरण के मतदान आ रहे हैं उनसे एक तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, जो सरकारी कर्मचारी हैं जो नियुक्त किए गए हैं, किसी को BLO किसी की बूथ पर ड्यूटी लगाई गई है, वो जो बैग जो होता है ना, पर्चियाँ जो होती हैं उनको संभाल रहे हैं, घर घर जाकर बांटनी होती है ना चुनाव से 3-4 दिन पहले, शायद वो बांटने के लिए उनको खंगाल रहे हैं, और साथ में मोदी जी के पोस्टर को बांटने की भी तैयारी कर रहे हैं। साथ में मोदी जी का पोस्टर पड़ा हुआ है, जहाँ जहाँ पर्चियाँ देंगे वहाँ वहाँ पोस्टर भी बांट देंगे। एक व्यक्ति ने वीडियो बना ली और बाद में जल्दबाजी में इन्होंने पोस्टर को समेटकर अपने थैले में रख लिया। हरियाणा की तस्वीर बताई जा रही है, ये तो पता नहीं कब की है, लेकिन हाँ ये ज़रूर पता है कि कल हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। वीडियो देख लीजिए और बता दीजिए, सुन लीजिए जो चीज़ें पहले सामने आई थी कि नितिन गडकरी के चुनाव में पर्चे के साथ उनकी फ़ोटो लगाई जा रही है, भाजपा का सिंबल लगाया जा रहा है, और भाजपा के लोग अपना लोगो लगाकर आचार संहिता लागू होने के बाद भी वोटिंग वाले दिन बूथ में घुस रहे हैं, ऐसी तस्वीरें चुनाव अधिकारियों की सामने आई है। ये देखिए BLA जो लगा रखे ककरोला गांव में, ये मोदी जी के कैलेंडर बांट के घूम रहे हैं, ये देखिए ऑनलाइन कति लगाएंगे भाई, ये कोई तरीका थोड़ी वोट ले तो वोट का करना के है, जरूरत की है, जब तब मैं यो कर ला रही थी वोट वैल्यू ही नहीं बची, जो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है तो भाई फिर वोट डालना ना डालना बेकार बात है, ये सरकारी स्कूल के टीचर हैं। क्या ही कहोगे अब, कौन सुनेगा, नहीं तो नल्ले सुन रहा सही से, न चुनाव आयोग सुन रहा, सारा कुछ ऐसा लग रहा कि भाजपाइयों ने जकड़ लिया, यही तो है साम दाम दंड भेद। इस चुनाव में हमें ऐसी चीजें पता चली हैं कि अरे ऐसे भी हो सकता है,
वो नई नई चीज़ें जिसको कुराफाती करनी होती है, जिसको बदतमीजी करनी होती है, जिसको धांधली करनी होती है, तो वो हर बार पकड़े जाने के बाद नया नया तरीका ढूंढता है। और वही नए नए तरीके हमें इस चुनाव में देखने को मिले। किसको पता था कि भाई देखिए कि प्रत्याशी को ही ये खरीद लेंगे, कांग्रेस के प्रत्याशी जिनको घोषित किया गया है जो लोकसभा चुनाव लड़ने वाला है और निर्विरोध भाजपा ही जीत जाएगा। किसको पता था कि मेन प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने के बाद जो सब्स्टिट्यूट होता है उसको भी खरीद लेंगे, जो प्रस्तावक जो बनाए गए हैं वो अपने रिश्तेदारों को बना देंगे, वो भी समय के ऊपर भाग जाएंगे। ये चीज़ें हमने खजुराहो, इंदौर और सूरत में देखी ना। ये तस्वीरें भी हमने देखी कि चुनाव आयोग की एक महिला जिसकी ड्यूटी लगाई गई थी बूथ लेवल संभालने की, वो कह रही थी कि मोदी जी को वोट दो। धर्म और जात और नफरत का बोलबाला तो हमने देखा ही, और गुंडई भी भाजपाइयों की देखी बूथ के ऊपर, न तो पुलिस उफ कर रहा है और न ही प्रशासन चुषक रहा है कुछ भी। हमने देखा कि ईवीएम के साथ किस तरीके से ठकाठक ठकाठक एक व्यक्ति 8 बार वोट डाल रहा है। भाजपा का आदमी वोट डालने के लिए अपने नाबालिग बेटे को लेकर आता है, वो वोट डाल रहा है। भाजपा नेता का बेटा ईवीएम को अपने बाजू में लेकर कह रहा है कि मेरे बाप की ईवीएम है, जिताओ मोदी को, कमल के निशान को दबाओ। ईवीएम की बड़ी संख्या में गड़बड़ियाँ सामने आती हैं। रायबरेली से 43 ईवीएम बदली जाती हैं, इससे पहले कहाँ थे भाई? नंगा नाच इस देश का चुनाव आयोग कर रहा है और तमाशा इस देश की जनता देख रही है। ये चुनाव विपक्ष नहीं, इस देश की जनता लड़ रही है, और विपक्ष को छोड़ दीजिए, जनता को मजबूर कर दिया जा रहा है, जनता को ठेंगा और आंखें दिखाई जा रही है कि तुम मोदी को हरा के तो दिखाओ, हम देखते हैं। सरकारी संस्थाएं 56 इंच चौड़ी छाती करके मोदी के आगे खड़ी है कि इसको कुर्सी से नहीं उतरने देंगे, हम ही तो हैं इसको बचाने वाले। क्यों? क्योंकि उनके जेब में डाला जा रहा है, कहीं पैसा खींच खींच कर मारा जा रहा होगा कि हमारे अनुसार नहीं चले तो फिर हम देख लेंगे। आपके क्या विचार हैं इस पूरे प्रकरण के ऊपर? कैसे होंगे नतीजे और उसमें निष्पक्षता कितनी होगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।